फोटोग्राफी का शौक है, अच्छी एडिटिंग आती है, अच्छा कैमरा है पास, लेकिन अबू DSLR लेके नहीं दे रहे, और जब तक अबू DSLR लेके नहीं देंगे तब तक हम फोटोग्राफी नहीं करेंगे। ये गलत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर ले सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि फ़ोन से आप DSLR क्वालिटी की पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी का नाम नहीं, एक पिक्चर जो आप लोगों की आंखों को अट्रैक्ट करे, आपकी आंखों को अच्छी लगे, उसे पिक्चर कहते हैं। और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही होगी, उसकी वजह ये है कि अभी हो रही है इस टाइम बारिश, रेनी वेदर है, एंड इट्स द बेस्ट वेदर फॉर फोटोग्राफी। इतना प्यारा वेदर हो और ग्रीनी का सिनेमैटिक्स ना लिया जाए, गलत बात है। शुक्रिया अदा करना था आज की वीडियो में। अब शुक्रिया किस चीज़ का? रिसेंटली गाइज 1 वीक पहले मैं रैंडमली अपनी वीडियोस चेक कर रहा था, मैं रैंडमली अपनी वीडियोस को देख रहा था कि कहाँ तक पहुँची हैं, कितना रैंक हुआ, कितने व्यूज आ रहे हैं। देन आई स्वाइप अप, देन रिसेंटली आई सी कि मेरी एक सिंगल वीडियोस पे 100K व्यूज हो चुके हैं। गाइज थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। इतने थोड़े सब्सक्राइबर के साथ ऑन अ सिंगल वीडियो इतने ज़्यादा व्यूज़ होना मीन्स के 100K 1 लाख व्यूज़ सिंगल वीडियोस पे हो चुके हैं। मेरे सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर हैं और इतने थोड़े सब्सक्राइबर के साथ एक सिंगल वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ होना इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। जब आप रेगुलर वीडियो अपलोड ना कर रहे हो फिर भी आपको ऑडियंस का इतना प्यार मिले, तो थैंक यू सो मच माई व्यूअर्स, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया दोबारा ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। तो इंशाल्लाह अब हम ज़रूर रेगुलर होंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को गाइज डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन डेली हो जाएगा, तब आप लोग बोर हो जाएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको जरूर वीडियोस मिला करेंगी, टेक की भी व्लॉग्स भी, और ये आज हमारा वादा है। मैं इसी इंतजार में था कि आप लोगों की तरफ से मुझे थोड़ा सा प्यार देखने को मिल जाए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं, और आप लोगों ने वो कर दिखाया है मेरी एक सिंगल वीडियोस पे 100K व्यूज दिला के। सो थैंक यू सो मच गाइज। लो बेटा वीडियो ऑन है, कैमरा में हाथ लगा दे। मास्क किधर है तुम्हारा? ओह सॉरी सॉरी, पता है कोरोना भी है, कोरोना भी गया नहीं, मास्क पहना ही नहीं, मास्क किधर है? नीचे करो, आप गाड़ी में आ गए हो, इसको साइंटिस्ट करेंगे। यस थैंक यू। बस इसको भी कर कैमरे पे जा रहा है बे, कैमरे पे जा रहा है। सबसे पहले क्या खाना है? ये क्या है? स्नैकर्स मजे का। तो अभी हमने ये हमारी स्लांटी रह गई है वो खा लिया है, उससे पहले अभी हम करने वाले हैं एक रैंडम Q&A। मैं इससे पूछूंगा इसको कौन सी चीज़ें पसंद है। नाइस जाती है बेटा। मैं इससे पूछूंगा इसको कौन सी चीज़ें पसंद है, अगर हम दोनों का कंपेयर करेंगे तो हम दोनों में सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा भाई, पिज़्ज़ा या बर्गर? बर्गर। देसी के चाइनीज? देसी। लव देसी। लेस के स्लांटी? Slanty. Love. Slanty is our love. Okay. उसके बाद शवारमा के पराठा रोल? पराठा रोल। शवारमा, ये एक हो गया। पैंट शर्ट पहनना पसंद करते हो कि शलवार कमीज? ट्रेडिशनल। बहुत नहीं, कोई एक तो फेवरेट होगी ट्रेडिशनल के पैंट शर्ट शलवार कमीज? ट्रेडिशनल। वैसे मुझे पसंद पैंट शर्ट है, नहीं शलवार कमीज, शलवार कमीज, शलवार कमीज, मेरा भी शलवार कमीज। जगह कौन सी पसंद है? मरी के लाहौर? लाहौर। लाहौर
मड़ी में ऐसा क्या लाहौर में नहीं? माल रोड अच्छा माल रोड माल रोड लाहौर में नहीं है स्नो स्नो अच्छा स्नो ठीक हो गया एक पॉइंट और स्नो कौन सी सारा साल पड़ती है वैसे तो आपकी बात ठीक है हाँ जहाँ तक बात की जाए तो अच्छा आपको मड़ी पसंद है दोनों पसंद है तो। दोनों मुझे दोनों नहीं अपना गुज्जा वाला इज द बेस्ट और 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 व्हाट द चीज़ केक के चॉकलेट या वनीला कौन सा चीज़ मेरा चीज़ केक पसंद है कि या चॉकलेट केक दूसरा मेरा चीज़ केक बेस्ट मेरे कॉपी नहीं करनी जो पसंद है वो बताना नो चीज़ केक मुझे चीज़ केक ओके पाए के मगज मगज पाए मगज खाता दिमाग दिमाग खाता ये पागल मैं पाए खाता हूँ आपको ज्यादातर घूमना पसंद है या गेम्स खेलना घूमना और गेम्स में से जी गेम्स कौन सी टाइप की मुझे गेम्स कौन सी मोबाइल गेम्स कह रहे हो कि कंसोल फिजिकल गेम्स में फिजिकल गेम्स क्या क्रिकेट वगैरह क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन हाँ तो मैं मेरी प्रेफरेंस फिजिकल गेम्स ट्रैवलिंग के अलावा मुझे ट्रैवलिंग इतनी नहीं पसंद इसलिए तो आप लोगों को व्लॉग नहीं मिलते क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं मैं फिजिकल गेम्स ज़्यादा पसंद करता हूँ आपको सिंपल वॉचेस पहनना ज़्यादा पसंद है या स्मार्ट वॉच स्मार्ट वॉच या सिंपल वॉचेस सिंपल वॉचेस कौन सी सिंपल वॉच जिस तरह की आपने पहनी ये वाली जी इस तरह की या स्मार्ट वॉच आप अगर हम टाइम की बात करें दौर की बात करें तो उस हिसाब से स्मार्ट वॉचेस वैसे ट्रेंड इनका भी है पर जो मैं पर्सनली लाइक करता हूँ वो ये एनालॉग वॉचेस आप कितने साल के हो आई एम 13 इयर्स ओल्ड व्हिच क्लास 8 ओके प्रमोशन वाले बच्चे तो नहीं नो नो अच्छा अच्छा ठीक हो गया 8 क्लास उसके बाद आपको बाइक आती चलानी जी बाइक आती है जी जी 12 साल के हो जी अच्छा गाड़ी 13 साल के अच्छा जी। गाड़ी जी आती है दोनों चीजें आती है चलानी जी भाई दोनों जी भाई लाइसेंस बना है नहीं भाई ये देखिए ये बच्चे हैं ये पाकिस्तानी बच्चे हैं ये बाइक भी चला लेते हैं ये गाड़ियां भी चला लेते हैं ये साइकिल वगैरह भी चला लेते हैं तो साइकिल तो चलाना चाहिए ये इतनी छोटी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीजें चलाते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है इन सिटीजन अब मैं आपसे पूछता हूँ पूछो पूछो क्योंकि मैं सिर्फ कॉलोनी के अंदर चलाता हूँ अच्छा चलाओ मैं बाय रोड्स पे नहीं चलाता पर क्यों आपका लाइसेंस है एज हो हाँ मेरे पास है मेरा मैं अभी चेक आउट आप करवा देता हूँ आपकी उम्र क्या है मेरी उम्र मैं 18 प्लस हूँ मेरा हर चीज बन गई है आप देख सकते हैं जी ये भाई निकल नहीं लाइन से भी निकलेगा ये है मेरा आईडी कार्ड भी बना हुआ है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है और हम एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे गाड़ी चलाते हैं या बाइक कोई वेरी गुड और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए रिसेंटली इसकी बर्थडे थी और बर्थडे पे बाइक को एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद इसको क्रिकेट किट मिली है सियालकोट से इसके लिए स्पेशल आई इसको क्रिकेट किट मिली है जो कि अभी हम ले लेंगे इसके किसी तरह इसको फेंक देंगे इसको इसको पूरी नहीं आती क्रिकेट किट तो इसके किस काम की इसने कौन सी क्रिकेट खेलनी है इतना इसे क्रिकेट खेल सकता है तो क्रिकेट किट हमने ले लेनी है भाई क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है ऐसे ना करो हां ठीक हो गया क्या बैटिंग बॉलिंग भाई बैटिंग ठीक हो गया तो किट सब भी से हम ले लेंगे अभी आपको दिखाएंगे घर जाके भाई मैं आपको पहन के दिखाऊंगा घर जाके आपको भी इसकी पिक्चर्स दिखाती हैं यहां पे आपको पिक्चर शो हो रही होंगी चेक करें हमारा शाहिद फरीदी नहीं इस मामूल हक ओइस चप्ड इट ऑन केप्ट इट आउटसाइड ऑफ पिक्ड अप द विकेट इट्स इन द एयर दिस इज गोना बी आउट स्ट्रेट डाउन हिज थ्रोट ओह ही ड्रॉप्ड इट आई कैनॉट बिलीव इट हैव अ लुक एट द फेस ऑफ मोहम्मद आसिफ That is just unbelievable. His fast bowling partner Mohammad Amir has put down an absolute lollipop. Again on the sweep, is it going to? ये काटी कर दी मैं पूछ रहा हूँ.